स्वागत है आपका नेशन लाइव पर और नेशन 30 के साथ हाजिर हूं मैं कायनत अंसारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान होगा। 12 जिलों में फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर शामिल है। इन जिलों में 19 फरवरी को वोटिंग होगी। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने बाराबंकी में रैली को संबोधित किया। अखिलेश ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि ये कुनबे का गठबंधन है, मैं कहता हूं कि सपा कांग्रेस का गठबंधन दो युवा नेताओं का गठबंधन है। आने वाले समय में ये गठबंधन देश की राजनीति को बदलने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों को भरोसा है कि हमारे काम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मोदी जी के झूठे वादों से लोग परेशान हैं। चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अखिलेश सरकार में मंत्री और अमेठी से पार्टी के उम्मीदवार गायत्री प्रजापति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप और यौन उत्पीड़न में FIR दर्ज कराने के आदेश दिए। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर यूपी सरकार से 8 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। प्रजापति इस समय यूपी कैबिनेट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 400% के इजाफे की केजरीवाल सरकार की योजना पर केंद्र सरकार ने पानी फेर दिया है। गृह मंत्रालय ने ये बिल दिल्ली सरकार को वापस लौटाते हुए इस मुद्दे पर उससे और जानकारी मांगी है। केजरीवाल सरकार की प्रस्तावित बिल में विधायकों की बेसिक सैलरी को 12,000 से बढ़ाकर 50,000 करने तथा उनका कुल मासिक पैकेज 80,000 से बढ़ाकर 2,01,000 करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे हरे झंडे न मिलने के चलते यह मामला लटक गया है। जम्मू कश्मीर की 9 महीने पुरानी महबूबा कैबिनेट का आज प्रस्ताव होगा। बताया जा रहा है कि PDP के एक या दो विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक अमीरा दल से विधायक अल्ताफ बुखारी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये कहने पर तंज कसा कि उत्तर प्रदेश ने उन्हें गोद लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री से अब न हटाने का निवेदन किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद ने किसी का नाम लिए बिना ट्वीट कर लिखा, पंजाब में खून का बेटा और उत्तर प्रदेश में दत्तक पुत्र, वजह है रे भाई इतना मत हंसाओ। दिल्ली में मिड डे मील खाने से 9 बच्चे बीमार हो गए। बच्चों के खाने में मरे हुए 2 चूहे मिले। बच्चों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। सवाल खाना सप्लाई करने वाले NGO पर उठ रहा है। वहीं सोडिया बीमार बच्चों से मिले और खाना सप्लाई करने वाली NGO के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही। पलानीसामी ने गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। पलानीसामी शनिवार को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। बताया जा रहा है कि पलानीसामी शशिकला से बेंगलुरु जेल में आज मिलने पहुंचे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप को कनाडा में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उनको विदेश मंत्रालय के सोशल मीडिया में पहुंच के विस्तार और संवेदनशील मुद्दों को कुशल तरीके से निपटाने का श्रेय दिया जाता है। साल 1986 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी ने साल 2015 में ये अहम जिम्मेदारी संभाली थी। इस दौरान भारत का विदेश मंत्रालय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। 7 मुस्लिम बहुल देशों से अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने से संबंधित ट्रैवल बैन ऑर्डर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निकट भविष्य में बदलाव करने का फैसला किया है। ट्रंप 7 मुस्लिम बहुल देशों से अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने से संबंधित ट्रैवल बैन कार्यकारी आदेश पर जल्दी में बदलाव कर सकते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सहवाग की मशहूर लाल शाहबाद पलंदर दरगाह के अंदर गुरुवार को हुए आत्मघाती हमले में करीब 100 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 250 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। आत्मघाती हमले के पीछे पहले फिलहाल ISIS का हाथ बताया जा रहा है। अमृतसर के CIA स्टाफ को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब उन्होंने गिरोह के 2 मेंबरों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ये बदमाश श्री हरमिंदर साहिब पहुंचे श्रद्धालुओं को लंगर में नींद की गोली देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए बदमाशों के पास से 15 मोबाइल फोन और करीब नींद की 100 गोलियां बरामद की गई है। वहीं पुलिस अधिकारी के अनुसार आरोपियों ने माना है कि ये दिल्ली में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस इनसे सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि गैंग के दूसरे सदस्यों की जल्द गिरफ्तारी की जा सके। मुरादाबाद की गुलाबबाड़ी इलाके में सुबह हंगामा हो गया जब शमशान के गेट पर बनी भगवान वाल्मीकि की मूर्ति ट्रक ड्राइवर की चूक की वजह से टूट कर नीचे गिर
गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। जानकारी के मुताबिक ट्रक को बैक करते वक्त मूर्ति पर ठेस लग गई, जिससे मूर्ति टूटकर नीचे आ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने ट्रक के परिचालक को पकड़ लिया। वाल्मीकि समाज से जुड़े लोगों ने घटना को चुनावी माहौल से जोड़ते हुए इसे सोची समझी साजिश करार दिया। हापुड़ के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर चाय के खोखे में जा घुसी, जिससे मौके पर मौजूद एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। कौशाम्बी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी और अमित शाह को सीधे निशाने पर ले लिया। सराय अखिल में कांग्रेस की एक जनसभा में अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगने आए कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी को ही निशाने पर रखा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी और अमित शाह कुछ भी कर ले, अब बीजेपी और अमित शाह का वजन कम होने वाला है। बरेली में राजनीतिक वादों को लेकर दो पक्षों में देखते ही देखते विवाद बढ़ गया, दोनों ही पक्ष हाथापाई पर उतर आए। आपको बता दें कि यह मामला बरेली कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर पुलिस चौकी के सामने का है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब वहां का नजारा देखा तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। घटनास्थल पर भारी पुलिस बल के साथ SSP भी पहुंचे और मामले को शांत किया। बरेली में बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जहां बदमाशों ने रंगदारी न देने पर एक डेयरी संचालक को गोली मार दी। मामला बरेली के प्रेमनगर धर्मकांटा चौराहे का है, जहां डेयरी मालिक की चाय की दुकान है। बताया जा रहा है कि बदमाश अक्सर यहां जबरन वसूली किया करते हैं, लेकिन वही इस बार रंगदारी न देने पर बदमाशों ने डेयरी संचालक को गोली मार दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश में अपराधी ने पुलिस का खौफ खत्म होते ही जा रहा है। लूट, डकैती, हत्या और दुष्कर्म जैसी खबरें सुर्खियों में छाई रहती है, वही उत्तर प्रदेश में अब सरेआम गोली चलाना आम बात हो गई है। ऐसी एक घटना सामने आई है बुलंदशहर की ककोर क्षेत्र से, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर गोली चला दी। गोली लगने से व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल पर भी खूब बरस रहे हैं। दरअसल अखिलेश ने बिना नाम लिए शिवपाल को हराने की अपील की। अखिलेश जब इटावा पहुंचे तो घर के झगड़े की चर्चा छेड़ दी। अखिलेश ने कहा कि उन्होंने लोगों पर ज्यादा ही भरोसा कर लिया, जिन पर भरोसा किया उन्होंने हमें और नेताजी को भी लड़ा दिया। जालौन में बीजेपी के पांच बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने सपा, कांग्रेस और बसपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तीनों पार्टी पर देश प्रदेश को जमकर लूटने का आरोप लगाया। उन्होंने सपा कांग्रेस के गठबंधन पर भी वार करते हुए इसे ठग बंधन करार दिया। सपा सरकार को फिर एक करारा झटका लगा है। दरअसल धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री विजय मिश्र ने सपा का दामन छोड़ा, BSP का दामन थाम लिया है। गुरुवार को BSP के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने अपने आवास पर उन्हें BSP की सदस्यता दिलाई। बसपाई होने के बाद विजय मिश्र ने अखिलेश यादव पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने ब्राह्मण विरोधी और भ्रष्टाचारियों से अखिलेश को घेरा बताया। मुख्यमंत्री पद को लेकर बिहार के महागठबंधन में दरार पड़ती नजर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का हवाला देते हुए अखिलेश यादव की तरह ही बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की वकालत की है। यूपी चुनाव में मायावती ने इस बार दलित मुस्लिम गठजोड़ को जीत का फॉर्मूला बनाया है। यही वजह है कि मायावती खुलेआम मुसलमानों से सिर्फ उन्हीं की पार्टी को वोट डालने की अपील कर रही है। बुलंदशहर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर 2 लाख रुपए दिलाने का एक फर्जी मामला सामने आया है। इस प्रकार के फॉर्म भरने के आवेदकों में होड़ मची रही, लेकिन जैसे ही प्रशासन के अधिकारियों के कानों तक पहुंचा तो पुलिस ने डाकघर पर छापा मार कार्रवाई की। पुलिसकर्मियों ने फॉर्म जमा करने आए आवेदकों को समझा कर घर भेज दिया। वहीं पुलिस ने किताब फॉर्म दुकानदारों को इस प्रकार के फॉर्म बिक्री न करने के सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही दुकानदारों पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। एक बहन ने अपने भाई के गम में इस दुनिया को भी अलविदा कह दिया, लेकिन इस आत्महत्या के पीछे छिपे कई राज हैं जो लोगों को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला देखिए। बिहार सहित पूरे देश में समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले उत्तरी के लाल जन नायक कर्पूरी ठाकुर की 29वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सामाजिक न्याय और कर्पूरी समाजवाद की चर्चा पर राजनीतिक दल द्वारा की जाती है।
चुनाव के समय वोट के लिए उनके नाम की दुहाई दी जाती है, लेकिन कर्पूरी के जनरल स्थली समस्तीपुर में ही प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिली। पुण्यतिथि पर कार्यक्रम जरूर उनके परिवार के लोगों द्वारा साधारण ढंग से किया गया, लेकिन सरकारी स्तर पर तैयारी की बात की जाए तो पुण्यतिथि के मौके पर माल्यार्पण को दूर के बाद जननायक आदम कद प्रतिमा को धुलवाना और परिसर में फैली गंदगी को साफ करवाना भी मुनासिब नहीं समझा गया। पुलिस की लगातार छापेमारी के बावजूद बिहार के समस्तीपुर में शराब के कारोबार में कोई कमी आती नहीं दिख रही। अलग अलग जगहों पर कार्रवाई में समस्तीपुर पुलिस और जीआरपी ने 642 बोतल अलग अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब बरामद की और 4 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया। समस्तीपुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए शिवाजी नगर के परस गाँव में भी 503 विदेशी शराब की बोतलें बरामद की। इस मामले में पुलिस ने कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। बिहार के समस्तीपुर में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम देते आ रहे हैं। समस्तीपुर के पटेरी में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरी घटना वहां के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अनुष्का शर्मा निर्मित फिल्म तल्लौरी का गाना दम दम रिलीज हो गया है। अनुष्का ने ट्विटर पर गाने का ट्रेलर लिंक शेयर किया है। ये फिल्म का पहला गाना है। इस गाने को अनुष्का और दलजीत दोसांझ पर फिल्माया गया है। जैकलीन फर्नांडिस एक खास अंदाज में नजर आई है। जैकलीन मुंबई में बी के डेनिम जीन्स के एक प्रमोशनल यूनिट में हिस्सा लेने आई थी। इस खास मौके पर जैकलीन ने बताया कि वो अब बी जीन्स की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। इस खास मौके पर जैकलीन एक अलग ही अंदाज में नजर आई। जैकलीन ने बी डेनिम जीन्स के प्रमोशनल इवेंट में जमकर मस्ती की। नेशन 30 में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।